सांप काटने के बाद झाड़फूंक कराना मासूम बच्ची और उसके परिजनों पर भारी पड़ गया। झाड़फूंक के बाद 4 साल की मासूम बच्ची की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, पर रास्ते में ही मासूम बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। अमरपाटन थाना के ग्राम धमना में 4 वर्षीय मासूम बच्ची दीपांजलि कोल को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सुबह 4 बजे की है, जब बच्ची अपने घर में सो रही थी, तभी सांप ने बच्ची को काट लिया, जिसके बाद परिजन बच्ची को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक करवाने ले गए, जहां बच्ची की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन लाया गया, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। बस 2 मिनट बाद गए थे घर आने, इसके बाद फिर सुबह यहाँ लेके आए अस्पताल, यहाँ सपना लेके गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।